स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विथ मी में। फिर से आ गए हैं नए वीडियो के साथ और रिव्यू के साथ। आज मैं लेकर आया हूँ ट्यून एक्टिव नॉइस का ब्लूटूथ नेक बैंड। जी हाँ, मैंने इसे अमेजोन से ख़रीदा है और इसका डिटेल रिव्यू और मेरे हिसाब से इसका क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ओपिनियन है इस प्रोडक्ट के लिए, इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखते रहिए, थैंक यू। तो ये है इसका बॉक्स अमेजोन टिपिकल पैकिंग के साथ, देख सकते हैं आप। हरियाणा से आया है ये, और ये है इसका शिपिंग एड्रेस जहाँ से इसे शिप किया गया है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल वगैरह भी है बॉक्स में। तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह से मैंने इसे कट किया है, अंदर की पैकिंग कुछ इस तरह की है। ज़्यादा कुछ बोलने के नहीं है, जैसे अमेजोन की टिपिकल पैकिंग होती है उसी तरह से पैक किया है इन्होंने। और आपको कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। ये इसका बिल है, देख सकते हैं आप, प्राइस इस पर लिखा हुआ है 1299। जी हाँ, मैंने इसे 1299 में परचेज़ किया है। ये डेट है परचेज डेट, देख लीजिए बिल को। ये है बैंड का बॉक्स ट्यून एक्टिव नॉइस। जी हाँ, नॉइस इस तरह से है ये। फुल रिमोट कंट्रोल, मैग्नेटिक सेंसर्स, 10 आवर प्ले टाइम, IPX वाटर सर आपका सर्टिफाइड कहती है कंपनी। ये है बाकी डिटेल्स। 1999 बॉक्स पर प्राइस दिया हुआ है, पर इसे नॉइस सेल कर रही है 1299 पर। जी हाँ, अमेजोन पर 1299 में मिल रहा है ये। इसे खोलता हूँ, देखिए, देखते हैं अंदर आपको नेक बैंड के अलावा क्या क्या मिल जाता है। इस तरह से सील लगी हुई है, इस सील को खोलता हूँ मैं। काटना पड़ेगा ये, इस तरह से नहीं खुल रहा है, मैं इसे काटता हूँ। देखिए मैंने काट दिया है, ये मैं खोल रहा हूँ, बाहर निकालता हूँ। देखें क्या क्या इसके अंदर हमें मिल जाता है। कंपनी कहती है कि IPX वाटर सर्टिफाई, IPX 5। ये है आपका देखिए प्रोडक्ट। इसमें फिर वही पॉम्पलेट वगैरह हैं जो घड़ी में मुझे मिले थे, उसी तरह के पॉम्पलेट हैं, देख सकते हैं आप। यूज़र मैनुअल वगैरह है, उसके अलावा कुछ इस तरह की पैकिंग के साथ आता है ये। ये इसे मैं बाहर निकालता हूँ, ये देखिए क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है, कानों में फंसाने वाले भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये इसका नेक बैंड है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। साथ में आपको ईयर टिप्स मिलते हैं, दो दो ईयर टिप्स एक्स्ट्रा है, चार्जिंग केबल जो कि बहुत छोटी है, और आपको बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है। देख लीजिए इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है देखने से मुझे। ये देखिए, और आपको बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है, इतना प्रोडक्ट आपको बॉक्स में मिलता है, देख लीजिए। तो अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही ली है, अब इसका रिव्यू भी दे देता हूँ मैं। रिव्यू मेरे हिसाब से होगा, जो मैंने इसे यूज़ किया है 7 दिन से, करीब 7-8 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और कैसा मेरा ओपिनियन है, कैसा ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, वो मेरा रिव्यू है। रिव्यू इन द सेंस कि मेरी परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से क्या परफॉर्मेंस आ रही है प्रोडक्ट की, वो मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने के लिए नहीं है। एक ब्लूटूथ नेक बैंड है, और आप मार्केट से कैसा भी ब्लूटूथ नेक बैंड खरीदते हैं तो आपको जितनी जानकारी उसके बारे में होती है उतना आप समझ के खरीद लेते हैं उसे। तो मेरे विचार से जो 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लूटूथ नेक बैंड परचेज करने से पहले, जो मैं सोचता हूँ जो ज़रूरी है आपको कुछ भी खरीदने से पहले, ब्लूटूथ का नेक बैंड या फिर किसी तरह की ब्लूटूथ के बैंड वगैरह लेने से पहले, कोई चीज़ जो ज़रूरी होती है उसकी 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं अलग से, और इस प्रोडक्ट पर वो 7 पॉइंट कैसे फिट बैठते हैं, कैसा ये प्रोडक्ट परफॉर्म करता है, उस बारे में ये सारी डिटेल डिस्कशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इस प्रोडक्ट को लेने से पहले आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नॉइस का प्रोडक्ट है और नॉइस एक अच्छा ब्रांड है, नॉइस साउंड क्वालिटी के लिए फेमस है, काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट आते हैं इसके। तो मैंने इसका वॉच भी दिखाया हुआ है पहले, और अब इस बार मैं ब्लूटूथ नेक बैंड के साथ आया हूँ। तो नॉइस की, इस ब्लूटूथ नेक बैंड की मैंने 7 पॉइंट्स में इसका रिव्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो साउंड क्वालिटी, कंफर्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी, बैटरी बैकअप, क्वालिटी, प्राइस एंड सर्विस। सर्विस भी इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि नॉइस की सर्विस के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था घड़ी के रिव्यू में, और इसमें भी मैं उसे डिस्कस करूँगा। तो इस तरह से 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं इस प्रोडक्ट के लिए, और 7 पॉइंट के हिसाब से मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगा। नॉइस ट्यून एक्टिव ब्लूटूथ नेक बैंड अमेजोन पर भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट नॉइस की वजह से थोड़ा फेमस है, नॉइस ब्रांड साथ में जुड़ा हुआ है, तो नॉइस का प्रोडक्ट है, तो नॉइस एक क्वालिटी ब्रांड माना जाता है साउंड के हिसाब से। तो उस हिसाब से इसका रिव्यू मैं
आपको देता हूँ। और मैंने इससे पहले रियलमी बैंड भी इस्तेमाल किया है और कुछ सस्ते बैंड भी इस्तेमाल किए हैं, तो उससे इस प्रोडक्ट का कंपैरिजन भी मुझे पता है कि कैसा प्रोडक्ट परफॉर्म करता है, तो उस हिसाब से मैं इस रिव्यू को रखूँगा। तो शुरू करते हैं। इसमें 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं और 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं अपने हिसाब से जो ज़रूरी होते हैं ब्लूटूथ नेक बैंड खरीदने से पहले। तो पहला पॉइंट है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी में ये प्रोडक्ट 4 आउट ऑफ़ 5 मार्क्स आपको देता है। साउंड क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। बेस वोकल्स बहुत बढ़िया हैं, सॉन्ग वगैरह में बहुत बेहतरीन है सुनने के लिए। कोई मूवी देखते हैं तो साउंड बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है साथ में उसके। बस आपको थोड़ी सी इशू जब होगी जब आप किसी से कॉल पर बात करेंगे, तो थोड़ा सा जो कॉलिंग की क्वालिटी है वो 100% नहीं बोलूँगा मैं, उसमें थोड़ा सा इशू है। एकदम बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको कॉलिंग में नहीं मिलेगी, बाकी साउंड और आपको म्यूज़िक वगैरह में कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको गाने सुनने हैं या फिर आपको मूवी देखनी है तो उसके लिए परफेक्ट है। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया साउंड क्वालिटी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं अपन, कंफर्टेबिलिटी। तो कंफर्टेबिलिटी में भी इसको 4 आउट ऑफ़ 5 है। शुरू शुरू में आपको ठीक लगता है, आधे 1 घंटे के बाद हल्का सा पेन होता है आपको ईयर पर, ऊपर की तरफ हल्का सा पेन होता है, जो इसके जो फंसाने के लिए आपको कान में मिले हुए हैं। अभी मैं कहाँ रखा हूँ, मुझे देखना होगा। ये बैंड बैंड मेरे पास नहीं है। इसमें जो आपको कान में फंसाने के लिए जो पॉइंट होते हैं, इसमें अभी रियलमी का बड्स है मेरे पास, मैं इससे दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर, इसका देखिए, ये जो पॉइंट है ये आपके कान में यहाँ फंसता है यहाँ पर, तो ये थोड़े बड़े हैं इसके, आप देख सकते हैं पिक्चर पर। ये देखिए थोड़े से बड़े हैं ये, तो ये बड़े होने की वजह से थोड़ा सा दर्द करते हैं कान में कुछ देर के बाद। थोड़े से भारी भी हैं ये, रियलमी बैंड से थोड़ा भारी पड़ जाते हैं, तो ज़्यादा देर तक आप इसे कंटिन्यू पहनते हैं थोड़ा सा इशू होता है। तो ये भी एक पॉइंट है आपके लिए। तो मैं जो बताना चाहता हूँ कि कंफर्टेबिलिटी में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा इशू है उसमें, तो उसको भी 4 आउट ऑफ़ 5 ही गिनेंगे अपन। इतना कंफर्टेबल नहीं है, रियलमी बैंड की तरह कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लंबा आप पहनेंगे तो पेन होगा आपको। तीसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में भी कोई इशू नहीं है, कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, कनेक्ट तुरंत हो जाता है कनेक्ट में। तो मैं बोलूँगा 5 आउट ऑफ़ 5 स्टार्स को देता हूँ मैं। कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है इसकी, कनेक्टिविटी में आप किसी से भी जोड़ लीजिए इसको, फ़ोन से जोड़ लीजिए, टीवी से जोड़ लीजिए, कंप्यूटर से जोड़ लीजिए, लैपटॉप से जोड़ लीजिए, तुरंत कनेक्ट हो जाता है। कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है, तुरंत बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा उसमें आपको। तो चौथा पॉइंट पे आते हैं अपन, बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप भी अच्छी है इसकी, लंबी बैटरी बैकअप है। मैं 3 दिन लगातार इसे यूज़ किया 100% करने के बाद भी, तो 60% तक ही बैटरी इसका ड्रॉप हुआ, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। बैटरी बैकअप के लिए पूरे 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 मार्क्स हैं, बैटरी बैकअप में कहीं कोई कमी नहीं है। उसके बाद आप इसे चार्ज भी करते हैं, थोड़ा चार्जिंग में थोड़ा टाइम लेता है ये, पर एक बार चार्ज होने के बाद बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। पाँचवें पॉइंट पर आते हैं अपन, क्वालिटी। क्वालिटी में आप इसे पूरे मार्क्स तो नहीं देंगे, पर ठीक है, 1200-1300 रुपये के हिसाब से ये प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, क्योंकि नॉइस ब्रांड का है और क्वालिटी वाइज अच्छा कह सकता हूँ मैं। क्वालिटी में 4 आउट ऑफ़ 5 कहूँगा, चीप प्रोडक्ट नहीं लगता है। जो बैंड की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है आपको। क्वालिटी में भी पूरे पूरे पॉइंट मिल जाते हैं, पूरे पूरे ही समझ लीजिए 4 आउट ऑफ़ 5, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पॉइंट्स नहीं कटते हैं इसमें। क्वालिटी भी अच्छा है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। बटन वगैरह काफ़ी टैक्टाइल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटन भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। जो स्टार्ट बटन है वो भी अच्छा है, और जो वॉल्यूम बट रॉकर्स हैं वो भी बढ़िया हैं, वॉल्यूम बटन्स। उसके बाद अपन 6 पॉइंट पर आते हैं, प्राइस। प्राइस के हिसाब से भी प्रोडक्ट को मैं 4 आउट ऑफ़ 5 दूंगा, क्योंकि 1200-1300 की प्राइस के हिसाब से बढ़िया प्रोडक्ट है। 1200 रुपये में आपको मार्केट में जो अवेलेबल है उससे काफ़ी बेहतर लगता है मुझे ये। ओवरऑल मैंने बोल्ट वगैरह का भी प्रोडक्ट अपने फ्रेंड्स से लेके इस्तेमाल किए हैं, बोल्ट के भी आते हैं और एक दो ब्रांड भी हैं इस तरह के जो थोड़े से पॉपुलर हैं इस चीज़ में, तो उनके हिसाब से इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है मैं कहूँगा। तो प्राइस के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ये प्राइस के हिसाब से भी 4 आउट ऑफ़ 5 स्टार देता है आपको। प्राइस भी ठीक ठाक है इसका, प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और नॉइस ब्रांड का होने के साथ आपको प्राइस के हिसाब से ठीक है प्रोडक्ट ये। 7वें पॉइंट पाते हैं सर्विस। जी हाँ, सर्विस। सर्विस इसका ऐसा है कि नॉइस की सर्विस आपको बहुत अच्छी नहीं है। मैं पहले भी बताया हूँ आपको, घड़ी के वक्त भी मैंने बताया था कि ये लोग इसको, इन्होंने रिफ़ंड का ऑप्शन ही नहीं रखा है। इवन अमेज़ॉन से भी ये इन्होंने टाई अप किया है, तो अमेज़ॉन पर भी सेल करते हैं तो रिफ़ंड नहीं करेंगे, ये आपको रिटर्न करेंगे और एक्सचेंज करेंगे, रिफ़ंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी में है, ये रिफ़ंड नहीं करते हैं। तो इस बार अमेज़ॉन पर भी इन्होंने यही किया है। अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया और मैंने एक कोशिश की इसको रिफ़ंड के लिए, और इन्होंने रिफ़ंड कैंसिल किया। उसमें रिफ़ंड का ऑप्शन ही नहीं है, रिफ़ंड का ऑप्शन ही नहीं है। आप एक्सचेंज कीजिए प्रोडक्ट को, लेकिन रिफ़ंड नहीं करेंगे ये। तो ये नॉइस का एक ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, आप उनकी साइट से खरीदिए वहाँ पर भी है, तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये मैंने 7 पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं इस प्रोडक्ट का, और ये प्रोडक्ट
मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट आपको 1299 में परचेज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छा है और 1299 के हिसाब से इसका प्राइस भी अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।